नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इन दिनों जो है बच्चू कड़ू का जो है मामला काफ़ी सुर्खियों में है। जी हां, बच्चू कड़ू यानी ओम प्रकाश बाबा राव कड़ू, जो ये अमरावती लोकसभा से जो है विधायक है और अचलपुर से ये विधायक है और 2004 से लेकर 2019 तक लगातार विधायक बने हुए हैं और अभी पिछले MBA सरकार में जो है ये मंत्री भी, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अभी जो एकनाथ शिंदे जी ने जो बगावत किया उसके बाद जो है वो भी अपक्ष रहते हुए भी उन्होंने जो है शिंदे का साथ दिए और जो है सरकार से बाहर होकर जो है शिंदे गुट में शामिल हुए। लेकिन इन दिनों ये नाराज़ चल रहे हैं और उनकी नाराज़गी की वजह से फडणवीस और शिंदे सरकार जो है सरदर्द बना हुआ है। अब इसका कारण क्या है, बच्चू कड़ू क्यों नाराज़ हैं? इसमें सबसे बड़ा कारण ये कि उनका आरोप है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है और बदनाम करने कौन कर रहा है, वहीं के अपक्ष जो विधायक हैं रवि राणा। जी हाँ, रवि राणा जो है उनको बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने 50 खोखा लेके जो है सरकार में से बाहर आए हैं। तो इस मामले को लेकर जो काफ़ी वो शिकायत कर रहे हैं और काफ़ी धमकी भी दे रहे हैं कि हम आने वाले दिन में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो उनको यही है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिला। अभी जो 20 लोगों की मंत्रिमंडल बनी है फडणवीस सरकार में और शिंदे सरकार में, उसमें बच्चू कड़ू को जगह नहीं मिली है, उसको लेके भी नाराज़गी उनकी है। ऊपर से इस तरह से बदनामी किया जा रहा है उनके नाम के आगे, क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता हैं, बड़े आंदोलन करते हैं, उनका आंदोलन भी अनोखा होता है, लोगों के बीच के नेता हैं, तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 50 खोखे एकदम ओके क्यों लिए आपने, तो उनको जो है जवाब देना भारी पड़ रहा है, तो उसको लेकर नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं। और अभी फडणवीस जी ने कहा था कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें भी उनको जगह पाना चाहते हैं, इसी को लेके उनके अंदर नाराज़गी भी है कि तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, ऊपर से उनको खोखे से नाराज़ किया जा रहा है, खोखे के नाम से नाराज़ किया जा रहा है। तो हम इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से। हम उनसे जानेंगे कि आखिर बच्चू कड़ू की नाराज़गी का कारण, मुख्य कारण क्या है। देखिए, ड्रामा तो राजनीति का एक स्वरूप ही है, ड्रामा तो जो है वो देख रहे हैं लोग। लेकिन आपने बच्चू कड़ू की बात की, बच्चू कड़ू 4 बार के विधायक हैं, 2004 से 2019 अमरावती के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। जिन्होंने आरोप लगाने की आपने जो बात की, उन्होंने रवि राणा ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, एलिगेशन किया है। तो राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये दोनों अपने आप में प्रतिस्पर्धी विधायक हैं, दोनों पक्ष हैं, दोनों निर्दलीय हैं। वो सांसद दंपत्ति हैं अमरावती लोकसभा क्षेत्र से, उनकी पत्नी जो है, रवि राणा की पत्नी जो है, वो भी सांसद हैं। हालांकि अब उनका BJP मोह, सरकार के प्रति मोह जग जाहिर है, इसमें संदेह नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी हनुमान चालीसा से, हाँ, उन्होंने हनुमान चालीसा से लेकर जो भी अब आंदोलन हो रहे हैं BJP के साथ ही हैं, जो भी है। रही बात बच्चू कड़ू की, तो इनको ये माना जाता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे जी के खास समर्थक माने जाते हैं बच्चू कड़ू जी। बच्चू कड़ू जी संघर्षशील नेता हैं। अभी जो विस्तार हुआ था BJP और हमारी शिंदे गुट के विधायकों में, तो मंत्री पद न मिलने से भी समस्या आई कि निर्दलीय को मंत्री नहीं बनाया गया, किसी भी निर्दलीय। हालांकि ये दावा करते हैं बच्चू कड़ू जी कि 7 विधायक मेरे साथ हैं, 1 तारीख को मैं इसका बड़ा खुलासा भी करूंगा कुछ। तो इसके पीछे साफ दिखाई पड़ता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी नज़दीक है, तो हो सकता है कि एक दबाव, यह बोलते हैं ना, दबाव की राजनीति भी होती है और जो करना भी चाहिए। बच्चू कड़ू चूंकि MBA सरकार में राज्य मंत्री थे, नई सरकार बनी, इस सरकार को बनाने में निर्दलियों की भूमिका रही और निर्दलीय हैं साथ में। और रही बात खोखा लेन देन, ये सारी चीज़ें तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि रवि राणा जैसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है, क्योंकि रवि राणा जब जी BJP के कट्टर समर्थक बन गए हैं, इस समय मुख्यमंत्री के हैं या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एकदम विश्वास पात्र माने जा रहे हैं, तो उनका आरोप इस तरह अगर लगाना बच्चू कड़ू पे, ये कहीं ना कहीं सरकार को ब्लैकमेलिंग, सरा नहीं
सरकार को एक सवालों के घेरे में खड़ा करने का एक ब्लैकमेलिंग ही हो गया। हमें राज्य मंत्री बनाइए या कुछ भी मंत्री बनाइए, नहीं तो हम नहीं राज्य नहीं। जैसे जैसे रवि राणा अभी इनका, अगर रवि राणा जिस तरह से आरोप लगाए, इनका कहना रवि राणा आरोप लगा रहे हैं, तो सवालों के घेरे में सरकार खड़ी होती है ना। बिल्कुल, अगर रवि राणा, क्योंकि रवि राणा सरकार से नज़दीक हैं इस समय, उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना ज़्यादा लगती है। दोनों विधायक हैं, दोनों निर्दलीय विधायक हैं, दोनों कद्दावर अपने आप को समझते हैं, तो इस कारण बच्चू कड़ू तो भाई उनका मंत्री बनने का एक जो सपना है कैबिनेट में आने का, तो वो किस तरह पूरा न हो या कोई और समस्याएं हो सकता है उस पर भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों। स्थानीय राजनीति होती है, स्थानीय स्तर पे तो अलग अलग तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं नज़र आता मुझे, मतलब सरकार की हैसियत पर या सरकार के टिकने न टिकने पर। हाँ ये है कि विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है कि जो विधायक उनका समर्थन करता है, दोनों विधायक आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कुछ अलग पक रहा है। जी बिल्कुल, तो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है ये, इससे सरकार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार अस्थिर होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सक्षम हैं इस समस्या को सुलझाने में, तो आने वाले सक्षम है, तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार का जो चर्चा है जी, इतना डिले क्यों कर रहे हैं? क्या ये अधिवेशन के पहले नहीं हो सकता था ये? नहीं देखिए, अब स्टेप वाइज स्टेप जो है बोलते हैं ना, काम करना है तो अभी मंत्री उतने काम कर रहे हैं, अभी देवेंद्र जी ने बोला कि भाई अब विस्तार करने की आवश्यकता है, जैसे विस्तार कहा, हाँ जैसे भी, हाँ बिल्कुल कही, सही कहा आपने, जैसे विस्तार की चर्चा हुई तब से ये सब मुद्दे सामने आ गए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक तरह का अपना एक हक का मामला है, हक जताना चाहते हैं एक दूसरे को, भाई मेरा हक पहले है, आपका हक बाद में है। तो इस तरह से बच्चू कड़ू, तो देखिए बच्चू कड़ू बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पब्लिक इमेज भी है, चार बार के विधायक रह चुके हैं, एकनाथ शिंदे साहब के खास माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे साहब ने उनकी काफ़ी मदद भी की है, उन्होंने उनका साथ दिया है, तो ज़रूर आगे आने वाले मंत्रिमंडल में हो सकता है बच्चू कड़ू का नाम बिल्कुल तय हो। चलिए बच्चू कड़ू को तो मना लेंगे, लेकिन अभी जो 40 विधायक शिंदे गुट के आए हुए हैं जी, उसमें जो वहाँ पर मंत्रिमंडल में थे वो तो लगभग उनको मंत्रिमंडल मिल भी गया, मिल गया है, टॉप 9 में मिल गया जी, लेकिन जो साथ में और भी जो लॉलीपॉप देख के आए हैं कि चलो चलूंगा तो कुछ मेरा भला हो जाएगा, उनको कैसे मनाएंगे? ये तो काफ़ी बहुत चर्चा चल रही है इसके ऊपर। चर्चा तो है, लेकिन अब मंत्रिमंडल में सभी को तो शामिल नहीं किया जा सकता, समस्या ये है कि उनके काम, घर वापसी के भी नारे लग रहे हैं बीच बीच में, कुछ लोग कह रहे हैं अगर हमको मंत्रिमंडल नहीं मिला तो हम घर वापसी चले जाएंगे। राजनीतिक रूप से सरकार को भी कुछ, राजनीतिक रूप से तो ये है, सरकार को समस्या होती रहती है, इस तरह के बयानबाजी से सरकार अस्थिरता की भावना उठती है, तो सरकार पे कुल मिलाकर सरकार, देखिए सरकार इतनी आसानी से बनी भी नहीं है और इतनी आसानी से गिरेगी भी नहीं, तो ये सरकार कैसे बनी है ये लोग जानते हैं, आप भी राजनीति समझते हैं, इतने दिनों से पत्रकारिता में हैं तो आपको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, किसका बोलते हैं ना मराठी में कि किसका पाठ बल है, तो वो जो है वो बहुत मजबूती से ये सरकार चलेगी, चलेगी सरकार, चलेगी सरकार, अपना परफॉर्मेंस भी देगी, लेकिन रही बात कि इस तरह से बीच बीच में ये मुद्दे उठते रहेंगे, हाँ कहीं कहीं कुछ समस्याएं सुनने में आ रही हैं, सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में थोड़ा सा समन्वय का अभाव रहता है, कुछ मंत्री जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उन चीज़ों को लेकर एक समन्वय की भावना बनेगी। इसमें मुख्यमंत्री जी का जो है, मुख्यमंत्री जी तो स्वयं वो बोलते हैं कि मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, हालांकि ज़्यादातर समय जनता के बीच में देते हैं, लेकिन लोगों में यह भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जनता के साथ साथ प्रशासन पर भी अपनी पकड़ बनानी होगी, मंत्रियों पर भी अपनी पकड़ बनानी होगी, मंत्री जो है अब अपने तरीके से नहीं चलेगा सारी चीज़ें, तो जब तक वो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ उसका रिजल्ट आएगा नहीं,
तो कुल मिलाकर जैसे बच्चू कड़ू ठीक है अपना ऐसे हैं, बहुत निर्दलीय ऐसे मांगे उठती रहती हैं, चलता रहेगा राजनीति में तो ये सब चलता रहेगा। सरकार विपक्ष को हाँ एक मौका मिलता है ये सब कहने का। इस समय ये है कि महाराष्ट्र से एक नया मुद्दा आया है सर कि महाराष्ट्र से सारे उद्योग जा रहे हैं, इस समय वो हमलावर है विपक्ष, उसका भी जवाब इस सरकार को देना है। और वो अभी अधिवेशन चालू हो जाएगा, हाँ इस सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे पीछे बहुत सारी ये बीच बीच में समस्याएं आती रहेंगी, इतना आसान है। लेकिन मुझे लगता है कि देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं और इसमें से वो रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, आप इस पर हमने चर्चा की कि बच्चू कड़ू का जो नाराज़गी है वो कितना किस हद तक जा रहा है और इस पर जो है शिंदे सरकार पर क्या असर हो सकता है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो हम यही कहेंगे कि जो इस समय जो मुद्दाएँ आ रही, जो सरकार के प्रति जो लोगों नाराज़गी आ रही है वो छोड़ के जो इस तरह के जो दूसरी तरफ जो 50 को के और एकदम ओके वाली जो बात है तो नहीं होनी चाहिए यार, पब्लिक भी मजा ही तो ले रही है, चल ही रहा है वो तो, उन्होंने मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा बना जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक ये सब मुद्दे चलते रहेंगे। 2019 के बाद जब से सरकार चुनी गई है, MBA सरकार थी, अभी दूसरी सरकार आई है, लोगों को लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं, लोक हित के काम ज्यादा होने चाहिए, कोशिश भी हो रही है, कोशिश भी दोनों CM साहब और DCM साहब इसको लेकर काफी सजग भी हैं, कोशिश भी जारी है कि कामों से किस तरह से जनता का दिल जीता जाए। बाकी आगे के 2024 का जो रणनीति है वो काफी उसको आगे आसान नहीं क्योंकि आगे जो है MBA सरकार अगर तीनों पार्टियां मिलकर अगर लड़ती है तो भाजपा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती ही होगी, इसको भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। और भाजपा तो यही चाहेगी कि हर आगे तो BMC और महानगर पालिकाओं के ही चुनाव है, इसके पहले सेमीफाइनल है तो उस पर काफी जोर आजमाइश होगी। तो मेरे ख्याल से मुद्दा तो भारत का है लेकिन महाराष्ट्र का मुद्दा जो है हमेशा सुर्खियों में रहा है और हम इसी पर चर्चा करते रहते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, हम आपके साथ चर्चा किए और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।